साइंस वन का हम लोगों ने ये लेसन कंप्लीट किया था जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। ओके, अभी आप एक्सरसाइज में देखोगे तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें सम्स है एंड क्वेश्चन नंबर 7। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में जो सम्स है वहां पे फिगर्स के लिए है, वहां पे वो आपको सम्स सॉल्व करने, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वो सम्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, 3 टेबल आपको दिए। फर्स्ट जो है टेबल, वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का है, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला। नेक्स्ट आप टेबल देखोगे उसमें दो और रो है, वो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का है, वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस आर ए टी स्क्वायर। और थर्ड एक आपको दिखेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वो वाला है टेबल है। ओके, तो फर्स्ट टेबल का हम लोग एक सब सॉल्व करेंगे, दूसरा आपको सॉल्व करनी है, सेकेंड का भी हम लोग एक सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट आपको सॉल्व करने का है थर्ड का भी। तो एक एक सम हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बाकी 3 सम है वो आपको प्रैक्टिस करना। तो फर्स्ट सम देखो, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, उसमें फर्स्ट सम देखो वहां पे वैल्यूज दिया है, किसका किसका वैल्यूज दिया है। तो वहां पे आप देखोगे सम अपना ऐसा हॉरिजॉन्टल है, सम ऐसा हॉरिजॉन्टल, तो वहां पे देखो फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पे सम क्वांटिटीज दिया है, क्या क्या दिया है, यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है, ऐसा लिखा हुआ है, और एंड में फॉर्मूला लिखा है टी इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल सम है उसमें देखो 2 लिखा है, उसके बाद 4 लिखा है, उसके बाद 3 लिखा है। अब ये 2, 4, 3 क्या है, वो वैल्यूज है, किसका वैल्यूज है, तो यू इज इक्वल टू 2 ऐसा हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट 4 दिया, 4 क्या है, एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है, ए इज इक्वल टू 4। 3 क्या दिया, टाइम दिया है 3 सेकेंड्स। ओके, तो मैं पहला मैं लिखूंगा कि यहाँ पे गिवन क्या दिया है, तो सम सॉल्व करते वक्त एज अ फिगर नहीं करने का है, वो सॉल्व करने का। तो क्या क्या दिया है, जो फर्स्ट सम क्या क्या दिया है उन्होंने, तो फर्स्ट उन्होंने दिया है वहां पे यू दिया, यू इज इक्वल टू, उसके बाद दिया है ए दिया है इज इक्वल टू, और उसके बाद दिया है टी इज इक्वल टू। तो यू देखो, यू क्या दिया, यू इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट ए क्या दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड, एंड टी क्या दिया है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये दिया है टी 3 सेकेंड्स। ये अपना गिवन क्या निकालने के लिए बोला है तुमने, उन्होंने बोला है कि v का वैल्यू निकालो। अभी u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, e क्या है, टाइम। ओके, v यानी फाइनल वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला दिया है v इज इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला है। वैल्यूज डालूंगा, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आएगा, हर बार v लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे v है हर बार लिखने की जरूरत नहीं। अभी वैल्यूज डालता हूँ, यू का वैल्यू क्या है, 2, सिंपल है, वैल्यूज डालते जाना है, उसके बाद प्लस का साइन है, उसके बाद ए का वैल्यू है 4 दिख रहा है, ए और टी के बीच में इनटू का साइन है, और टी का वैल्यू है 3। तो मेरे पास ये है 2 प्लस 4 इंटू 3। तो यहां पे मैं पहला क्या करूंगा, पहला मल्टीप्लीकेशन करूंगा इसका, तो क्या आंसर आता है, 2 प्लस 4 3 12 2 प्लस 12 कितना आता है, 14। तो v इज इक्वल टू, देयरफॉर v इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड। ये सब सॉल्व हो गया। ओके, सिंपल सब है, बाकी कुछ दिमाग नहीं लगाने का है, सिंपल वैल्यूज डालने का है और सॉल्व करनी है। यहाँ पे आपको देखना है कि फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन करना है, एडिशन नहीं, 2 प्लस 4 नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन हमेशा फर्स्ट किया जाता है, वो आपको याद रखना है और वैल्यूज डाल के सॉल्व करना है। इसी में अपना जो नेक्स्ट सम है वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या दिया है उन्होंने नेक्स्ट सम, उसमें वैल्यूज दिया है, उसमें कौन कौन सा वैल्यूज दिया है उन्होंने, तो फर्स्ट नेक्स्ट सम जो है इसी में, उसमें उन्होंने यू का वैल्यू नहीं दिया, यू का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया, वो निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद टी का वैल्यू दिया है 2 सेकेंड्स, और उसके बाद वी का वैल्यू दिया है, वी का वैल्यू दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, 20
मीटर पर सेकेंड। ओके, उसमें यू का निकालना, तो गिवन में यू दिखने का नहीं है आपको, सिर्फ मैंने यहाँ पे दिखा है कि यू का वैल्यू निकालना। फॉर्मूला सेम, वी का वैल्यू दिया है तो मैं यहाँ पे 20 लिखूंगा इक्वल टू यू का दिया है क्या, नहीं वो निकालना है तो ऐसा ही लिखूंगा। उसके बाद ए दिया है कितना दिया है 5 इंटू टी दिया है कितना दिया है 2 20 ऐसा ही लिखूंगा। यू प्लस 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। अभी ये देखो यू निकालने का है उसके साथ 10 प्लस में अगर वो इक्वल टू के यहाँ पे जाते हैं तो वो माइनस हो गए, इससे माइनस हो गए 20 से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू यहाँ पे बच गया यू। ओके, अभी इसको सीधा करके लिखता हूँ, यू इज इक्वल टू 20 माइनस 10 कितना होता है 10, आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये अपना उसमें सेकेंड सम सॉल्व होता है। नेक्स्ट, अभी जो है उसमें नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी उसमें फर्स्ट सम देखो, फर्स्ट सम क्या दिया है, यू दिया है कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या दिया है, ए दिया है कितना दिया है, ए कितना दिया है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया है, टी दिया है कितना दिया है, टी दिया है 3 सेकेंड्स, ये दिया है। ओके, क्या निकालना है हम लोग को, एस। ओके, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एस निकालना है, उसका फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अभी देखो एस निकालना है, दिया नहीं, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, यू का वैल्यू कितना दिया है 5, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद टी है, बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का, टी कितना दिया है 3 प्लस, उसके बाद हाफ, ए कितना दिया है 12 इंटू 12, टी कितना दिया है 3, मगर यहाँ पे देखो टी का स्क्वायर है, टी का क्या है स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखूंगा इंटू 3 को ब्रैकेट में उसका स्क्वायर। ओके, अभी सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 3 कितना आता है 15 प्लस, यहाँ पे देखो 2 फंजा 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 6। ओके, तो क्या हो गया, इधर प्लस आ गया, ये आ गया 6, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ओके, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद 15 उसमें ऐड करना है, तो पहला मल्टीप्लीकेशन 15 9 6 54। ओके, अभी अगर हम लोग इसका एडिशन करेंगे 15 प्लस 54 कितना आएगा, ये 9, ये कितना आएगा 6। ओके, कितना आया 96, ओके सॉरी 69, कितना आया 69, तो एस इज इक्वल टू 69। ओके, यूनिट है उसका मीटर, यूनिट है उसका मीटर। ओके, ये सब सॉल्व हो गया, उसका आंसर आया एस इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना आया 69 मीटर। ओके, सेकेंड सम इसमें ही देखो, सेकेंड सम दिया है, यू का वैल्यू दिया है, यू का वैल्यू कितना दिया है 7, और किसका वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया नहीं है, ए का वैल्यू दिया नहीं है, और किसका वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू उन्होंने दिया है 4 सेकेंड्स, टी का वैल्यू उन्होंने 4 सेकेंड्स दिया है। एंड एस का वैल्यू दिया है, कितना वैल्यू दिया है एस का 92। ओके, वैल्यूज कंफर्म करो, यू का देखो 7 दिया है, उसके बाद ए का वैल्यू एक्सेलरेशन का दिया नहीं है, उसके बाद टाइम का दिया है 4 सेकेंड्स, एंड एस का 92 मीटर। ओके, अभी ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में डालना है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये देखो एस के नीचे मैंने 92 डाल दिया, उसके बाद यू का वैल्यू दिया है वो मैंने डाल दिया 7 इंटू टी का वैल्यू दिया डाल दिया मैंने 4, 7 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया है, वो वैसे ही रख दिया, इंटू टी का वैल्यू दिया है 4, उसका मैंने
स्क्वायर लिख दिया। ओके तो ये 92 ऐसे ही लिखता हूं, 7 इंटू 4 28, ओके प्लस हाफ इंटू ए इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 16। अब 2 से इसको डिवाइड करो, ये 2 से डिवाइड हो गया, यहां या 92, यहां पे 28 ऐसे ही लिखता हूं। आगे प्लस a इंटू एट या फिर एट इंटू ए क्या आएगा 8a। ओके अभी ये यहां पे पॉजिटिव में है, इसका वैल्यू निकालने का है, उसके साथ 8 है तो पहला भाई ये वाला टर्म जो है तो यहां पे पॉजिटिव में है, यहां पे जाके वो निगेटिव हो जाएगा। तो 92 माइनस 28 इक्वल टू 8a। अभी 92 से हम लोग 28 माइनस करेंगे, 92 माइनस 28 ये 12 हो गया, इधर बच गया 8, 12 में से 8 गया 4, इधर 8 में से 2 गया 6, तो यहां पे आया 64, इधर बच गया 8a। अभी इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो ये 8 यहां पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू a। Therefore, a is equal to कितना आएगा, 8 से 64 को आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके तो ये वैल्यूज डाल के सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन है, जहां पे डिवाइड करना है वहां पे डिवाइड करने का और फाइनल आंसर यहाँ पे 8 a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे ये वाला सब खत्म होता है। अभी जो थर्ड है आपका उसमें देखो, थर्ड में आपको जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, वो वाला फॉर्मूला आपको वहां पे यूज करने का। तो नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, उसमें u का वैल्यू दिया है, थर्ड वाला में फर्स्ट u का वैल्यू दिया है कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद a का वैल्यू दिया है, क्या वैल्यू दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद s का वैल्यू दिया है, क्या s का वैल्यू दिया नहीं है, ओके डिस्टेंस का दिया नहीं। आगे उन्होंने लिखा है b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके तो वहां पे जो वैल्यू दिया है वो दिया है बी का, बी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, बात आपको याद रखने का है। तो आपको एक वैल्यू दिया है वो वी का दिया है तो वो है 8 मीटर पर सेकेंड। तो यू है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है एंड यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है। फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला दिया है, क्या फॉर्मूला दिया है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वैल्यूज डालते जाने का, जो दिया है वो वैल्यूज डालेंगे 8, मगर यहाँ पे वी स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर। आगे इक्वल टू यू दिया है 4 का स्क्वायर, आगे प्लस का साइन 2 दिया है, a दिया है इंटू 3, s दिया है, क्या s निकालना है तो s मैं वैसे ही लिखता हूं इंटू s, 8 का स्क्वायर करने का वो आता है 64, इसका स्क्वायर करने का ये आता है 16, प्लस 2 इंटू 3 आता है 6 इंटू s, ओके या फिर 6s। अभी मुझे s का वैल्यू निकालना है, उसके साथ 6 है मगर उसके साथ 16 भी है, तो ये 16 इधर प्लस में है, पहला मैं यहां पे जाके उसको माइनस करूंगा, 64 माइनस 16 इज इक्वल टू 6s। तो पहला देखो 64 माइनस 16 ये हो गया 14, ये इधर बच गया 5, 14 माइनस 6 बच गया 8, 5 माइनस 1 बच गया 4, तो इधर आया 48 और इधर आया 6s, 6 इधर s के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में 48 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू s। Therefore, s इज इक्वल टू, इससे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, s इज इक्वल टू 8 मीटर, s इज इक्वल टू 8 मीटर। तो यहां पे वो सब खत्म हो गया। अभी जो अपना थर्ड जो सम हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसका सेकेंड सम, ओके
क्या दिया है देखो, थर्ड में से थर्ड का सेकेंड सम, ओके, यहाँ पे ये फॉर्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, उसका सेकेंड सम देखो, यू का वैल्यू दिया है क्या नहीं, डैश दिया है, ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू क्या दिया है, फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट ठीक से याद रखना। नेक्स्ट किसका वैल्यू दिया है, एस, ओके, उसका वैल्यू दिया है 8.4 मीटर। उसके बाद वी का वैल्यू दिया है, वी का वैल्यू दिया है 10, ओके। अब ये जो 10 जो वैल्यू लिखा है ये फॉर्मूला के नीचे लिखा है, अगर आप टेक्स्टबुक में देखोगे तो वहां पे वी स्क्वायर लिखा है, मगर वो वी स्क्वायर का वैल्यू नहीं है, वी का वैल्यू है, वो याद रखना, वी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अभी फॉर्मूलाज में ये वैल्यू जानने का, जो निकालने के लिए बोला है वो निकालने का, यू निकालने के लिए बोला है, तो मैं वैल्यू जानता हूं, वी, वी का वैल्यू है 10, मगर उसका स्क्वायर है, इधर स्क्वायर है, इक्वल टू, यू दिया नहीं है, वैसा ही लिखूंगा यू स्क्वायर, उसके बाद टू, ए का वैल्यू दिया है इंटू फाइव, इंटू एस का वैल्यू दिया है 8.4, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 होता है 10, 10 इंटू 8.4 करोगे आप, 10 इंटू 8.4 तो हो जाता है 84, हो जाता है 84, अगर आप 10 इंटू 2 इंटू 5 करने का 10 होता है, 10 इंटू 8.4 करोगे तो 84, ओके। अभी यहाँ पे यू स्क्वायर मुझे निकालने का है, उसके साथ 84 है, मगर वो पॉजिटिव में, यहाँ पे आएंगे उसको पहला माइनस करेंगे, निगेटिव में जाएंगे यू स्क्वायर, ओके, तो 100 माइनस 84, 100 माइनस 84 करोगे तो आंसर आएगा 16 यू स्क्वायर, ओके। यहाँ पे खत्म हुआ क्या सब, नहीं, हम लोग को चाहिए यू का वैल्यू, ओके, वो स्क्वायर में, तो यहाँ पे 16 है तो दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेना, दोनों साइड में क्या लेने का है, स्क्वायर रूट, तो इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो ये हो जाएगा यू, और इसका स्क्वायर रूट लेता हूं, स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट 16, तो इसका स्क्वायर रूट आता है, देयरफॉर यू इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, यू इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ओके, तो वैल्यू आया यहाँ पे 4, स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट आता है 4, तो इस तरह ये सिर्फ वैल्यूज जाना है, जहां पे स्क्वायर करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, वो सब करते जाने का सम सॉल्व होता है। अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को बहुत सारे सम्स दिए हैं, उसमें दो सम्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर, उसमें दो सम्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो क्वेश्चन नंबर 7 का ए वाला सम एंड डी सम, फर्स्ट सम एंड लास्ट सम, टोटल 4 सम्स है, तो फर्स्ट एंड लास्ट ये दोनों सेम है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट में क्या दिए, अभी ये जितने भी सम्स दिए, 4 सम क्वेश्चन नंबर 7 में वो वर्डिंग में दिए, तो यहाँ पे आपको ठीक से देखना है कि क्या क्या दिया है, व्हाट इज गिवन, और क्या निकालने के लिए बोला, और वहां पे हम लोग को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये आपको ठीक से देखना है। तो जब भी आप सम सॉल्व करोगे हमेशा जो भी दिया है वो गिवन पहला लिखना है, ओके, तो फर्स्ट जो सम है वो अगर आप देखते हो टेक्स्ट बुक में तो क्या लिखा है, एक ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट मूव्स, ओके, वो 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, 18 मीटर जाता है फर्स्ट 3 सेकेंड्स, 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड्स एंड 14 मीटर इन लास्ट 3 सेकेंड्स, तो एक ऑब्जेक्ट है जो हर 3 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस जाता है वो दिया है, और व्हाट इज द एवरेज स्पीड, उन्होंने क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, अभी एवरेज स्पीड पूछा है तो आपको पहला पता लगाना है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस कवर्ड या फिर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, अभी जो मुझे सम दिया है उसमें टोटल डिस्टेंस दिया है, टोटल डिस्टेंस यानी आपको वहां पे सिर्फ एक ही डिस्टेंस मिलेगा या फिर टोटल टाइम में सिर्फ एक ही टाइम मिलेगा, मगर आप सम में देखोगे तो आपको 3 अलग अलग डिस्टेंस दिखेंगे या फिर 3 अलग अलग टाइम दिखेंगे, ओके, तो पहला मैं गिवन लिखता हूं क्या क्या दिया, ओके, तो डिस्टेंस के लिए क्या है एस, मगर 3 अलग अलग डिस्टेंस दिए तो एस वन एस टू एस थ्री, टाइम के लिए क्या है टी,
प्रोटीन अलग अलग टाइम लिए T2, T3, ओके। तो S1 कितना लिए, फर्स्ट डिस्टेंस कितना लिए, फर्स्ट डिस्टेंस देखो 18 मीटर, सेकेंड डिस्टेंस कितना है 22 मीटर, थर्ड डिस्टेंस कितना है 14 मीटर। ये तीन अलग अलग डिस्टेंस हुए, और ये डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है वो कितने टाइम में ट्रेवल होता है वो हमेशा दिया है 3 सेकेंड्स का टाइम। तो T1 भी 3 सेकेंड्स है, ये भी 3 सेकेंड्स है, और ये भी 3 सेकेंड्स है, हर बार सेम टाइम है 3 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स, ओके। तो मुझे निकालने के लिए बोला उन्होंने एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, यहां पे मैं शॉर्ट में लिखता हूं आपको पूरा लिखने का है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ओके। ये अपना फॉर्मूला है, ओके। अभी यहां पे देखो क्या दिया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दिया है क्या नहीं, वो पहला मुझे निकालना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं, S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3, ओके। वैल्यूज डालूंगा 18 प्लस 22 प्लस 40 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 3, कितना आता है 18 प्लस 22, कितना आएगा, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 40 प्लस 40, और 14 ऐड करना है मुझे, कितना हो जाएगा 54, ओके। 54 हो जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा 9, 9 से अगर 54 को डिवाइड करते हैं तो एवरेज स्पीड कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड कितना आएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो आपको नीचे यहां पे लिखना है फिर से, देयरफॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। जब वर्डिंग में सब रहेगा तो हमेशा याद रखना है आपका फाइनल आंसर हमेशा वर्डिंग में होना चाहिए, जैसा उन्होंने पूछा है। गिवन लिखा, फॉर्मूला लिखा, क्या पूछा है, वैल्यूज डाला, सिंपल एडिशन है, उसके बाद डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही तरीके का सेम सम हम लोग को लास्ट में मिलेगा, वो सम नंबर है डी, वहां पे आप देखोगे तो ऐसा ही अलग अलग डिस्टेंस दिया है पर्सन स्विम्स, ओके। अलग अलग डिस्टेंस है 100, नेक्स्ट में 80 जाता है, और नेक्स्ट में कितना जाता है 45, और टाइम भी दिया है उन्होंने 40 सेकेंड्स, नेक्स्ट में भी 40 सेकेंड्स है, और लास्ट में 20 सेकेंड है। सेम सब है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट इधर का वैल्यू चेंज होगा, इधर का वैल्यूज चेंज होगा, फॉर्मूला सेम आएगा, वैल्यूज डालने का है और सॉल्व करने का, ये सम्स आपको खुद से सॉल्व करने का है, सेम टू सेम इसी सम की तरह है, सिर्फ वैल्यूज चेंज होगा। यहाँ पे फॉर्मूला सेम, ये फॉर्मूला भी सेम, यहाँ पे वैल्यूज डालना है, प्लस करना है, डिवाइड करना है, और फाइनल आंसर निकालना है। सेम बोला उन्होंने एवरेज स्पीड फाइंड आउट, ओके। तो वो सब आपको सॉल्व करना है।